राजधानी दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में शुक्रवार को आग लग गई। हादसे में 27 लोगों की जलकर मौत हो गई। यह संख्या और भी आगे बढ़ सकती है। अभी 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर खिड़कियां तोड़ी और बिल्डिंग के अंदर फंसे कुछ लोगों को बचाया। आग लगने की सूचना शाम 4:40 पर मिली। करीब 7 घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि देर रात 12 बजे आग फिर से धधकने लगी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। इमारत की पहली मंजिल पर सीसीटीवी की फैक्ट्री और गोदाम है। इसमें लगी आग ने भीषण रूप धारण किया और पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे। जगह काफी कंजस्टेड होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी परेशानी आई। इमारत में प्रवेश और निकास एक ही होने से बचाव कार्य जल्द शुरू नहीं हो सका। घायलों को संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बिल्डिंग की 3 में से 2 मंजिलों की सर्चिंग पूरी हो गई है। 3री मंजिल की सर्चिंग की जा रही है। ग्राउंड फ्लोर के अलावा बिल्डिंग की सभी मंजिलों पर हर चीज राख हो गई है। दिल्ली के फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने कहा, अब तक 27 शव निकाल लिए गए हैं। इमारत में काफी सामान था, इस कारण आग बुझाने में काफी परेशानी आई। 30 से 40 लोग अभी भी इमारत के अंदर होने की जानकारी मिली। बिल्डिंग में कई कंपनियों के ऑफिस थे। यहां से करीब 150 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राहत और बचाव कार्य के लिए मौके पर 100 लोगों को तैनात किया गया है। इमारत की खिड़कियों से निकलते धुएं के बीच लोगों को जेसीबी मशीन और क्रेन के सहारे नीचे उतारा गया। वहीं कुछ लोग रस्सी की मदद से भी नीचे आए। दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर सुनील चौधरी ने बताया, कुछ लोग खुद ही बिल्डिंग से कूद गए, जिससे वो घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया गया है। मौके पर 27 फायर ब्रिगेड वाहन पहुंचे थे। आग पर काबू कर लिया गया है। इसके साथ ही घायलों को तुरंत इलाज मुहैया कराने के लिए स्पॉट पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। पास के गांव के लोग भी मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने में मदद की। दिल्ली पुलिस ने बताया, मेट्रो स्टेशन के पिलर 544 के पास बनी यह इमारत एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग है, जिसे ऑफिस स्पेस के तौर पर कंपनियों को किराए पर दिया जाता है। पुलिस ने बताया, आग बिल्डिंग के पहले फ्लोर से शुरू हुई, जहां पर सीसीटीवी कैमरा और राउटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। पुलिस ने कंपनी के मालिकों हरीश गोयल, वरुण गोयल को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों ने बताया, बिल्डिंग में जगह कम थी और ज्यादा लोग काम कर रहे थे। ऐसे में जब आग भड़की तो अफरा तफरी मच गई, जिससे लोग खुद से बचकर नहीं भाग पाए और हादसे के शिकार हो गए। यहाँ सीसीटीवी का गोदाम था। गोदाम में आग लगने से लपटे और भीषण हो गई, जिससे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।